हेलो गाइस, ये जो वीडियोस बना रही हूँ ये स्पेशली इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स इसमें कन्फ्यूजन होता है तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटे छोटे वीडियोस में। तो अब इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं मेजरमेंट वाला, उसमें दो तीन टॉपिक्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक डिजिट दिया हुआ है 2.331, दूसरा डिजिट आपको दिया हुआ है मान लीजिए 5.4। आपसे कहा जाए आप ए प्लस बी निकालिए और राइट इट इट प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अब आपको मान लीजिए यहाँ पे चार आंसर दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 7.731 सेकेंड दिया हुआ है, 7.73 थर्ड दिया हुआ है, 7.7 एंड फोर्थ दिया हुआ है 8। देन व्हाट इज द राइट आंसर? इन चारों ऑप्शन में आप कौन सा आंसर यहाँ पर लगाओगे? ठीक है, सारे ही आंसर अगर आप देखें तो सारे ही आंसर करेक्ट हैं। ए प्लस बी आप अगर करते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, 2.331 और 5.4 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? ये आंसर आ गया। और जब आप इसको यहाँ एक डिजिट तक लेंगे तो ये आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कम है 3, तो ये 7.7 हो गया, और यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 8 होगा। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में आप कौन सा आंसर टिक करोगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी ये जो डिजिट्स होते हैं इनको देखते हैं। क्लियर? और इसमें जो यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस तक कवर है, तो यहाँ पर आप देखिए इस वाले में केवल एक प्लेस तक कवर है, इसमें तीन प्लेस तक कवर है, तो हम केवल एक प्लेस तक कवर जो आंसर होगा उस आंसर में टिक लगाएंगे, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 7.7। क्लियर? अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आंसर होता 5.40, यानी दो डिजिट्स तक, तो फिर हमारा आंसर जो टिक लगाया जाता वो ये होता 7.73। तो ये चीज़ आपको आती है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसीलिए मैंने आपके साथ क्लियर किया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और ले रही हूँ जिसमें थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको प्रॉपर कैसे करते हैं, तो आप वो भी पहले देख लीजिए। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कन्फ्यूजन करती हैं। नाउ इफ वी हैव अ क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 पॉइंट, और आई थिंक यू विल टेक 0.5, एंड अंदर वी हैव बी इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1। क्लियर? हमें मान लीजिए ए प्लस बी निकालना है। अभी आप प्लीज़ इसको देख लीजिए क्योंकि मैं इसमें डिवाइड भी बताऊंगी, तो स्किप मत करिएगा। तो इसमें जो आगे की वैल्यूज़ होती हैं ये रियल मेजरमेंट्स होते हैं, और ये जो पीछे की वैल्यूज़ होती हैं ये एरर होती है, और एरर हमेशा ऐड होती है चाहे माइनस प्लस हो चाहे माइनस हो। तो हम 5 प्लस 10, ये जो आगे वाली डिजिट्स होती हैं इनको एक साथ ऐड करेंगे, +-0.5 +0.1। मुझे पता है कि ये आपको आता है, ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा 0.6। क्लियर? अब आपको अगर ए माइनस बी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? 10 माइनस 5, 5 माइनस 10 नहीं लिखेंगे, जो बड़ा वैल्यू है उससे आप, लेकिन एरर जो है वो आपकी ऐड ही होगी, चाहे यहाँ पर आपको प्लस करना हो या माइनस करना हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.6। क्लियर? अब मैं आपको बताऊँगी मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ विल यू मल्टीप्लाई। क्लियर? आपकी जो दो रियल वैल्यूज़ हैं, आप पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों रियल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो रियल वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पे 10, तो ये आपका आ गया 50। ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे कि आपका ये जो वैल्यू होगा 0.5/5 प्लस 0.1/10, ठीक है। ये जो एरर है अपॉन दिस, ये जो एरर है अपॉन दिस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 0.1, ये हो जाएगा 0.01 जब आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11, क्लियर। अब ये जो आंसर आएगा इसको आप रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 50 × 0.11, तो ये हो जाएगा 0.5/5, यानी 5.5, क्लियर। अब हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा आपका ये जो रियल वैल्यू आया है ये 50 ± 5.5, दिस इज योर रियल आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप, ये जो रेशियो वाला एरर है, एरर ऊपर, ये रियल वैल्यू नीचे, प्लस किया जाएगा रेशियो ऊपर, रियल वैल्यू नीचे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, जो वैल्यू आएगी उसको जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया था उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर से हमें ये जो रियल वैल्यू का वो है और ये आपका एरर है, ये आपका क्या निकलेगा एरर, तो ये आप इसमें यहाँ पे ऐसे लिखोगे 5.5, क्लियर। अब इसी तरीके से मैं आपको डिवाइड बताने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिवाइड बी विद द ए, ओके। नाउ आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, आपकी जो रियल वैल्यूज है बी की उसको आप ए से डिवाइड करिए, तो 10/5 एंड वी गॉट 2, ओके। नाउ अब हमको एरर कैलकुलेट करना है। इन द सेम वे स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आपकी जो एरर्स हैं उनको आपको डिवाइड करना है और ऐड करना है, सेम प्रोसेस विच वी फॉलो इन द मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 and 0.01, नाउ वी व्हेन वी ऐड इट वी गेट 0.11। अब इस एरर को आपको रियल वैल्यू से वापस डिवाइड करना है, यानी स्टेप नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइड करना था इसलिए आपने इस एरर को इससे डिवाइड किया। 0.11 / 2, दैट मीन्स वी हैव 0.25 are 10, 0 2 5 are 10, वी गॉट दिस एरर, ओके। नाउ द आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 ± 0.505, ओके, और 2 ± 0, आप यही रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो एरर एनालिसिस में कभी कभी आता है, लीस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके पास मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ एक स्ट्रिंग से एक पॉव होता है, ठीक। नाउ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी दिस इज द लेंथ एंड इट इज इक्वल टू 92.0 cm, एंड दिस इज द बॉब एंड द रेडियस ऑफ द बॉब इज इक्वल टू 2.17 cm। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपसे कहा जाए लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल, तो आप ये देखें कि स्ट्रिंग को मीटर स्केल से मेजर किया गया है और इसकी वैल्यू है 92.0 cm और आपसे लीस्ट काउंट पूछा गया है। तो लीस्ट काउंट इसकी बहुत इजी है निकालना, पॉइंट के बाद कितना स्पेस है, 1, यानी 0.1 cm। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। नाउ द रेडियस ऑफ द बॉब, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अगर हमें निकालना हो तो बॉब की जो मेजरमेंट हुई है वो वर्नियर स्केल से हुई है और उसकी वैल्यू आई है 2.17 cm, यानी डेसिमल के पास दो प्लेसेस हैं, 1 और 7। तो इसकी जो लीस्ट काउंट हो जाएगी वर्नियर स्केल की, तो 0.01 cm, जो यूनिट यहाँ है वही यूनिट आपको यहाँ लिखी होगी, क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ, यानी इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ के लिए वी हैव टू एड बोथ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द
verb. That means effective length is equal to 92.0 plus 2.17. That means we have 94.17 centimeter. लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया. तो आप इन दोनों मेजरमेंट्स को देखिए, यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस तक है, यहाँ पर दो डेसिमल प्लेस तक है. तो मेरा आंसर सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक होगा, जो मिनिमम वैल्यू होती है. तो यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है, तो 7 आपका राउंड ऑफ 5 से बड़ा हो जाएगा, तो इफेक्टिव लेंथ आपकी हो जाएगी 94.2. क्लियर? क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है, तो इसमें ये 1 ऐड हो गया. अगर डिटेल देखना है तो NTA JEE वाले में आप डायमेंशनल एनालिसिस के वीडियोस हैं और एरर एनालिसिस के भी वीडियोस हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू.